वेलकम बैक ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इतनी रात को वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे सर्कुलर जारी हुआ है अभी ट्यूजडे यानी आज ही के दिन पे। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे सारे पॉपुलर इंडिसेस को मैनेज करता है, उन्होंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने लॉट साइजेस को चेंज करे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले बैंक निफ्टी के लॉट साइज को चेंज किया गया था। पहले 25 का लॉट साइज होता था बैंक निफ्टी में, उसे घटा के 15 कर दिया गया था और अभी सारे बाकी इंडिसेस में लॉट साइज चेंज कर दिया गया है। एज एन ट्रेडर, एज एन ऑप्शन ट्रेडर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी न्यूज है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। एनएससी हैव्स मार्केट साइज ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 यहाँ पे लिखा हुआ है बट एक्चुअली उन्होंने सबका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो देखो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे चेंज हुई, एक एक करके मैं बताता हूँ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या डिफरेंस होंगे। 4-5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, पूरी देख लीजिएगा, फर्क पड़ने वाला है, आप सब पे फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए ये जानना यहाँ पे जरूरी है। निफ्टी 50 का लॉट साइज 50 का हुआ करता था, इसे कम करके 25 कर दिया गया, आधा कर दिया गया। फिर निफ्टी का 40 होता था, 40 से कम करके इसे 25 कर दिया गया है। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट मिड कैप निफ्टी का 75 से कम करके इसे 50 कर दिया गया है। तीनों के लॉट साइजेस को रिड्यूस किया गया है। अप्रैल 26 से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 26 अप्रैल के बाद से, देखो निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 26 अप्रैल 2024 के बाद आपको चेंज दिखेगा। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट जो अभी 50 के थे 50 के ही रहेंगे, उसके बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट 25 के हो जाएंगे। मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स नजर आ रहे हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है, ये 6 अगस्त से चेंजेस यहाँ पे आएंगे, और जो मिड कैप वाले हैं वो 5 अगस्त से चेंजेस आएंगे। तो अभी कुल मिला जुला के जो मेजर चेंजेस हैं वो निफ्टी 50 में है और ये इमीडिएट चेंज हो रहा है, 26 अप्रैल से ये चेंजेस आ रहे हैं। बाकी चेंजेस थोड़े 2-3 महीने बाद है, अगस्त के जो एक्सपायरीज होंगी वहां के कॉन्ट्रैक्ट सभी चेंज हो रहे हैं। तो फिलहाल ये न्यूज बहुत ज्यादा जरूरी थी, अभी तुरंत इफेक्ट नहीं दिखेगा, बस इसका इफेक्ट दिखा तो मैं सोचा सबसे पहले मैं ही आपको बता दूं। वैसे ये सारी चीजें खबर पता चली जाती है तो ये चेंजेस हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो बैंक निफ्टी में जब ये प्रीमियम साइज चेंज हुआ था, जब लॉट साइज चेंज हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा क्या। पहली बात है आप ये समझने की कोशिश करो ये लॉट साइज को छोटा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो आपको फ्रीडम देना चाहते हैं कि आप कम कैपिटल से भी यहाँ पे ट्रेड कर सको। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये मानना है, पूरे अच्छी तरीके से मानना है, कि अगर आपके पास कम पैसे हैं या आपके पास ज्यादा पैसे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, ब्रोकरेज भरो, एसटीटी जीएसटी जो सारे चार्जेस है सब आप भरो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग आप करो। तो अभी पैसे का मान लो आपको 7-8 हजार लगते थे, तो अभी बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा ये मत सोचना कि ये जो 50 का कॉन्ट्रैक्ट अगर 25 होगा तो आपको आधे पैसे देने पड़ेंगे, आधे पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीमियम के प्राइसेस स्लाइटली थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं बैलेंस करने के चक्कर में। तो यहाँ पे आपके पैसे पहले से थोड़े कम लगेंगे, बट स्टिल आप मान के चलो कि जैसे ये आधा हो रहा है तो जो प्राइस में डिफरेंस आएगा वो 40% का आ जाए, तो 40% आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, यानी आपके फंड सब थोड़े कम लगने वाले हैं। तो देखो बहुत सारे ऐसे बदलाव आ रहे हैं, मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं और मैं आपको थोड़ी मेंटालिटी समझाने की कोशिश करता हूं कि ये लोग सोच क्या रहे हैं। अब आप लोग जज करना ये आप लोग के लिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो देखो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो यहाँ पे द फर्स्ट मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट टू हैव रिवाइज्ड मार्केट लॉट विल बी जुलाई 2024, मई जून जुलाई, जुलाई का जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है वहां से चेंजेस स्टार्ट होंगे, और जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो अगस्त वाले जो हैं वो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए। सिमिलरली निफ्टी मिड कैप के लिए भी वही चीज होगा। निफ्टी 50 जो है, देखो देयर इज नो रिविजन इन मार्केट लॉट ऑफ निफ्टी 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग ऑन अप्रैल 25, तो 25 अप्रैल को एक्सपायरी है, एक्सपायरी जो अप्रैल महीने का खत्म हो जाएगा उसके बाद से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज होंगे। तो इस बार मंथली कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कोई चेंज नहीं करा, अगले मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। हाँ, कुछ स्टॉक्स के भी उन्होंने लॉट साइजेस पहली बार चेंज करे थे, तो वो न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए हमने उनको कवर नहीं किया है। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ ना वो कुछ ऐसी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो देखिए मैं 2-3 चीजें चेंजेस बता रहा हूँ और फिर उसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ। पहला चेंज यहाँ पे उन्होंने क्या करा, पहला चेंज यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था कि हर दिन एक्सपायरी होगी, तो उन्होंने एक्सपायरी वाले डेज को बढ़ा दिए। सबसे पहले तो उन्होंने वो उसको बढ़ाया कि किस किस इंडेक्स में आप एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके बाद इंडेक्स बढ़ाने के बाद उन्होंने एक्सपायरी के डेज को बढ़ा दिया, हर दिन यहाँ पे एक्सपायरी होगी। तो हर दिन एक्सपायरी होगी मतलब हर दिन जीरो हीरो होगा, हर दिन यहाँ पे ऑप्शन बायर्स थोड़े ज्यादा, ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर्स दोनों भी इंटरेस्टेड होंगे भाई,
अकेले बायर्स को दोष नहीं देना चाहिए, सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो लॉट साइज घटा रहे हैं। लॉट साइज घटाने से जो प्रीमियम है वो थोड़े बढ़ेंगे, बट कैपिटल आपको थोड़ा सा कम लगेगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे उन्होंने कैपिटल के जो बैरियर थे उसको भी यहाँ पर उन्होंने हटा दिया है। अब वो तीसरा काम क्या करने को सोच रहे हैं, जो मार्केट की टाइमिंग है वो भी बढ़ाने को सोच रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज क्यों हो रही है, अब अगर इन सारी चीजों के पीछे की आपको वजह समझनी है ना, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये कर कौन रहा है। तो जो मोस्ट ऑफ द इसमें डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ले रहा है, एनएससी जिसका नाम है यहाँ पे। तो ये एनएससी के डिसीजंस हैं, उसे सेबी का वेरिफिकेशन लेना पड़ता है कुछ कुछ चीजों के लिए, क्योंकि सेबी मार्केट रेगुलेटर है, सेबी सबको रेगुलेट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेबी से मतलब परमिशन लिया जा रहा है, बट हु इज द क्रिएटर, किसके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, एनएससी के दिमाग में आ रहे हैं ना। तो एनएससी एक बिजनेस है, एनएससी क्या है, एक बिजनेस है, और बिजनेस को सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके प्रॉफिट्स और उसके रेवेन्यू। तो यहाँ पे जो भी सारे काम किए जा रहे हैं इसमें रिटेलर को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप ठीक ठाक ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये चेंजेस मैटर नहीं करते हैं, ये चेंजेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। टाइम बढ़ेगा वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक्सपायरीज बढ़ गए ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज है, लॉट साइज कम हो गया तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि कैपिटल तो आप वैसे ही लगाने वाले हो, आप ऑलरेडी लगा रहे थे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। दिक्कत उनके लिए हो रही है ना जो नए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी नए लोग ट्रेडिंग करने आ रहे हैं उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा शुरू में, तो उनके लिए चीजें और मुश्किल हो रही। पहले क्या होता था, पहले मतलब लोग कहते ना कि मैं सक्सेसफुल हो गया, जैसे पहले वाले लोग, मैं लाइफ में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो पहले के जमाने में डिस्ट्रैक्शन थी ही नहीं, अलग तरीके की डिस्ट्रैक्शन थी, लेकिन ये मोबाइल फोन इंटरनेट ये सारी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, अभी ये डिस्ट्रैक्शन है। तो अभी लोगों को और मेहनत करना पड़ता है कि इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे, जो पहले तो होते ही नहीं थे। तो मेरा आप डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हो, तो नए ट्रेडर्स के लिए ना वही दिक्कत ये एनएससी क्रिएट करने का काम कर रहा है कि अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा डिसिप्लिन होने के लिए, कि मैं यहाँ पे एक्सपायरी बहुत सारी है लेकिन मैं लिमिटेड काम करूंगा, जीरो हीरो के चक्कर में गैम्बलिंग नहीं करूंगा, कैपिटल भले ही कम लग रहा है बट जरूरी नहीं है कि अब कैपिटल कम हो गया तो मैं लगे रहूं, मतलब मुझे वही ट्रेड करना है, मैं पहले इक्विटी में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, हमें एक जिम्मेदार ट्रेडर बनना है, मार्केट में कोई भी बदलाव आए उससे आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, यस डिफिकल्ट होंगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, यस वॉल्यूम बढ़ेगा, रैंडम वॉल्यूम बढ़ेगा, यस रैंडम वॉल्यूम बढ़ेगा, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, थोड़ा और एफर्ट लगा रहे हो, तो दीज थिंग्स डज नॉट मैटर। एक छोटी सी अपडेट थी, यही बताना था। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप फ्री में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स दी हुई है, उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह और बाकी ऐसी किसी अपडेट वीडियोज में। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।